ये इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये एक रुपए का सिक्का है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एक रुपए का सिक्का इस वक्त मेरे हाथ में क्यों है और ये दिखाने के पीछे मेरा इरादा क्या है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आखिर इसका मतलब क्या है, मैं क्यों आपको एक रुपए का सिक्का दिखा रहा हूं। लेकिन उससे पहले स्वागत कर लेते हैं देश की अर्थव्यवस्था की बहुत ही खास, बेहद मजबूत समझ रखने वाले दो महारथी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपसे इनका तारुफ करवा देता हूं। शरद कोहली जी मेरे साथ हैं, देश के मशहूर अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही मेरे साथ जुड़ गए यहां पर डॉक्टर ए सुनील धरन जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इन दोनों से आगे हम बातचीत करेंगे और अर्थव्यवस्था की बहुत ही जो बारीक समझ होती है सरल भाषा में, वो हमें ये दोनों दिग्गज बताने वाले हैं। तो ये जो सिक्का मैंने आपको दिखाया था, ये जो सिक्का है, मैं आपको बता दूं कि देश का वित्त मंत्रालय बनाता है। आपने गौर किया होगा कि सिर्फ एक रुपए के नोट और सिक्के पर ही वित्त मंत्रालय लिखा होता है, बाकी के सारे नोट पर आरबीआई की मुहर होती है, गवर्नर का दस्तखत होता है। ये मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। ये देखिए, 100 रुपए का जो नोट मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इस पर यह लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और उर्जित पटेल गवर्नर, ऐसा लिखकर आप, मतलब गवर्नर का दस्तखत और आरबीआई की मुहर, ये 100 रुपए के नोट में। तो ये जो डिफरेंस है, इसके पीछे की वजह भी मैं आपको समझाऊंगा। नोटों का फर्क यह है कि आरबीआई जो नोट जारी करता है उसमें एक वादा होता है, यह लिखा होता है कि मैं आरबीआई गवर्नर धारक को इतने रुपए देने का, अदा करने का वचन देता हूं, मतलब प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस है इतने रुपए देने का, और उस प्रॉमिस का आधार होता है ये 1 रुपए का नोट जो हम आपको दिखा रहे थे, मतलब भारत सरकार की गारंटी, वित्त मंत्रालय की मुहर। अब ये फर्क आपको इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप इसे समझकर पूरे बजट को समझ सकते हैं। जैसे 1 रुपए का सिक्का सरकार बनाती है, उसी तरह बजट भी सरकार बनाती है, लेकिन इसके बाद रुपए का क्या होता है ये करता है तय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रुपया कितना बड़ा होगा डॉलर के सामने, उसकी कीमत कैसे बढ़ेगी, देश का रुपया सबसे बड़ा रुपया कैसे बनेगा, और किस तरह रुपए की ताकत बढ़ने में मुश्किल पैदा कर रही है महंगाई और बेरोजगारी। तो बजट में ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि देश का ये जो रुपया है ये सबसे बड़ा रुपया बने और उस ओर कदम बढ़ाए, महंगाई और बेरोजगारी को कम करती जाए। देश के 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, इसे लेकर भी अर्थव्यवस्था का यह मुद्दा सबसे जुड़ा हुआ है। तो इसी मुद्दे पर मेरे दोनों तरफ जो मौजूद एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, वो अपनी राय भी रखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा ताकि इस बात को थोड़ा आप समझने की कोशिश करें कि मिडिल क्लास को दिमाग में रख के अगर वो बजट बनाते हैं तो वो बाकी बहुत ज्यादा लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा, लोगों को ज्यादा सही लगेगा। गरीबों के हित में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों के हित में, बड़े जो इंडस्ट्री है उनके हित में एक अच्छी स्कीम आएगी और इंडस्ट्री बढ़ेगी, लोगों को और सहूलियत मिलेगी। जो बजट होगा ये एक मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारी मिडिल क्लास जो है, हम जो टैक्स और जो रिटर्न्स फाइल करते हैं वो कुछ हमारे को राहत मिली जाए इसमें। बजट से पहले जनता के बीच कराए NSO के एक सर्वे में ज्यादातर लोगों ने महंगाई को विकास और बचत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बताया। इतना ही नहीं, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी 2022 में महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई है। अब सर्वे में शामिल 45% लोगों को भी लगता है कि 2022 में महंगाई का प्रकोप और बढ़ेगा। हालांकि 14% को लगता है रिजर्व बैंक और सरकार मिलकर इस पर काबू पा लेंगे। 22% लोगों ने महंगाई को ग्लोबल फैक्टर पर निर्भर बताया है। सर्वे में शामिल लोगों ने महंगाई को कोरोना महामारी से भी बड़ा जोखिम बताया। 37% लोगों ने विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा महंगाई को बताया। 31% ने वायरस की एक और वेव को उनकी कमाई और GDP के लिए बड़ा खतरा बताया है। 18% लोगों को लगता है कि उपभोक्ताओं का भरोसा अभी वापस नहीं आया है और 15% लोगों ने निजी निवेश में कमी की आशंका जताई है। आपने एक सर्वे की रिपोर्ट देखी जिसका साफ और सीधा कहना है कि 2022 में महंगाई का पीक आने वाला है। कोरोना का पीक तो गुजर गया, लेकिन देश की इकोनॉमी को इसने इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिखरी बिखरी दिखाई दे रही है। इसी पर हम बात कर लेते हैं शरद कोहली जी से, और सुनील धरन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद कोहली जी, पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे, महंगाई की पीक आने वाली है 2022 में? अब तक तो 5 राज्यों में चुनाव की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम भी पिछले 84-85 दिनों से नहीं बढ़े। 7 मार्च को जब मतदाताओं के वोट जमा हो जाएंगे उसके बाद फिर वही होगा जो हर बार होता है, रोज दामों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
देखिए बिल्कुल अखिलेश, ये होने वाला लग रहा है, और क्यों लग रहा है मैं दो तीन कारण गिनवा देता हूँ। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इलेक्शन जब खत्म हो जाएंगे तो जो नियंत्रण में कही जाती हैं कीमतें, वो असल में कितनी नियंत्रण में होती हैं वो हम देख चुके हैं। दूसरा जो मैं अंतर्राष्ट्रीय दो कारण गिनवाना चाहूँगा अखिलेश, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। पहला कारण, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बढ़ता हुआ तनाव है, और तीसरे विश्व युद्ध की कहीं कहीं बीच में खुशबू आ रही है, वो अगर लड़ाई छिड़ जाती है, बंदूकें दोनों तरफ तनी हुई हैं, अगर ये लड़ाई छिड़ती है तो ये मुझे लग रहा है कि सारी की सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। सुनील धरन जी, अब आपसे मेरा सवाल है, आपने एबीपी न्यूज के साथ मिलकर एक डेटा स्टडी भी किया है जिसे हम आगे दिखाएंगे दर्शकों को, आपका क्या मानना है कि आने वाले चंद महीनों में क्या होने वाला है? आने वाले कुछ महीनों में महंगाई बढ़ सकती है, बढ़ेगी, उसके कई कारण हैं। एक, कुछ चीज़ों के दाम तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, जैसे एसेंशियल गुड्स हैं उसके दाम तो बढ़ चुके हैं, पर कुछ जो कॉर्पोरेट्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे अगर FMCG है या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनके दाम अभी पूरी तरह से बढ़े नहीं हैं। इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ा है सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से, पर उन्होंने वो पास ऑन नहीं किया अभी कंज्यूमर्स को। पर इंडस्ट्री का ये मानना है कि अभी, क्योंकि एकदम से अगर वो पास ऑन कर देंगे तो वो उनके मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, तो ग्रेजुअली इसको ये पास ऑन करेंगे, अगले 2-3 महीने में हो सकता है कि ये 10-15% और बढ़ जाएगा। तो हम सिर्फ एक्सपर्ट से ही बात नहीं कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि आम लोगों से भी लगातार हम लोगों की बातचीत चल रही है, जिसमें लोगों ने ये बताया है कि संक्रमण और लॉकडाउन से सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का बोझ कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर डालना शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े कहते हैं बढ़ती महंगाई से लोगों की घरेलू बचत में 50% से ज्यादा गिरावट आई है। ये बताइए कि महंगाई को लेकर जो कैलकुलेशन है, आप लोगों ने जो इस पूरे मामले में आंकड़े निकाले हैं, उनमें किन फैक्टर्स को आपने लिया और उसका निष्कर्ष क्या बताता है, निचोड़ क्या है? इसमें दो चीज़ें हमने देखा, एक जो महंगाई अभी हो रही है वो देखा हमने, और कोविड की वजह से कितना महंगाई बढ़ा है उसको देखने के लिए हमने ये किया कि प्री कोविड जो 5 साल है उसका जो एवरेज इन्फ्लेशन है उसको कैलकुलेट किया, और उसको जो अभी महंगाई है जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कम करके देखा कि कितना कोविड की वजह से हो सकता है। और दूसरा ये देखा कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रहे थे, वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उसका भी कितना योगदान है वो करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की हमने इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस अहम मुद्दे पर आपने अपना वक्त निकाला, अपनी जानकारी हमें दर्शकों तक पहुंचाई है। इस शो को खत्म करने का वक्त हो गया है, लेकिन सुन लेते हैं उम्मीदों का दामन थामे महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उठ रही इन आवाजों को। जो हमारा बेरोजगार तबका है उनको रोजगार बहुत कम मिला है पिछले कई सालों से कोरोना के नाते, तो मेरी गुजारिश है इनसे कि ये बेरोजगार के सिलसिले में काम करें। थोड़ी व्यापारियों को छूट भी मिलनी चाहिए, छोटे छोटे कारोबारियों को हेल्प के लिए ये लोन वगैरह का भी सुविधा होना चाहिए, कि मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा रिबेट वगैरह मिले सैलरी पर्सन को। ABP News, आपको रखे आगे।